हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मिस्टर केटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी मार्केट के अंदर एंट्री की है, क्रिप्टो मार्केट के बारे में जिनको कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपको एक ऐसे 5 टोकन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जिसमें आपको लॉन्ग टाइम में 100x 1000x तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, अभी जाइए अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहला टोकन के बारे में बात करते हैं, वो है VET टोकन। दोस्तों ये एक ऐसा टोकन है जो सबसे ज्यादा फेमस टोकन है आने वाले टाइम में। जिस टोकन की जो वैल्यू है वो आज 10 रुपए चल रही है, आने वाले टाइम में 100 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए तक भी जा सकता है। दोस्तों इसकी प्रिडिक्शन ये है क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी को सप्लाई चेन के अंदर भी लॉन्च कर सकती है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है और ब्लॉकचेन का खाली क्रिप्टो के अंदर इस्तेमाल ना होकर और चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सप्लाई चेन। इसका एक एग्जांपल है जैसे VET टोकन है, वो किस चीज के ऊपर काम करता है, वो सप्लाई चेन के ऊपर काम करता है। हम एक मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर एक किसी कोई कंपनी कार बनाना चाहती है, उस कंपनी के जो कार के पार्ट्स हैं वो 100 जगह तैयार होते हैं, जैसे स्टेयरिंग कहीं और जगह तैयार होंगे, हॉर्न कहीं जगह और तैयार होंगे, तो ये कंपनी को पूरी तरह से मैनेज करने के लिए एक सप्लाई चेन होती है कि उनके व्हील्स किसी और कंपनी से आएंगे, हॉर्न किसी और कंपनी से आएंगे, स्टेयरिंग किसी और कंपनी से आएंगे। तो ये पूरी एक चेन है, ये एक सप्लाई चेन है। अगर एक भी हिस्सा टूटता है, मान लीजिए अगर टायर नहीं मिल पाए तो पूरी गाड़ी रुक जाएगी, पूरी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, तो ये सप्लाई चेन है। तो जो VET टोकन है वो इसी चीज में हेल्प करता है, सप्लाई चेन को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए, इसको ट्रेसिबिलिटी देने के लिए, एफिशिएंसी देने के लिए और ट्रांसपेरेंसी देने के लिए ये कार्य करता है। तो इसके जो पार्टनर है फिलहाल की डेट में बात करें जाए तो रेनॉल्ट जैसी बड़ी कंपनी जो कार बनाती है वो इसके अभी पार्टनर है, और माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उसके साथ भी इसका टाई अप है। फिलहाल की जो इसकी मार्केट कैप है वो 6.8 बिलियन डॉलर है। तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आप अपने पोर्टफोलियो का 10 या 15% VET को जरूर दीजिए। दूसरा टोकन है वो है TRX। TRX मतलब ट्रोन। ट्रोन दोस्तों वन ऑफ द सुपर बॉम्ब प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बूम कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके बेस के ऊपर ही BTT, विंग टोकन, सन टोकन बने हुए हैं, और आने वाले टाइम में ट्रोन का एक अच्छा फ्यूचर दिख सकता है। जैसे आज ADA है वो अपनी ब्लॉकचेन को लॉन्च कर रहा है, बट TRX एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो फ्री में, यानी कि फ्री की ट्रांजेक्शन करती है। अगर आपको अपना पैसा इधर से उधर भेजना है, अपने ट्रोन को इधर से उधर भेजना है, तो बहुत ही कम सेकेंड्स का टाइम लेती है और 0% इसकी जो फीस होती है, फीस कमीशन बिल्कुल 0 होती है, ये इसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाती है। दोस्तों ट्रोन एक स्टेबल कॉइन है जिसकी मार्केट कैप फिलहाल 7 बिलियन डॉलर चल रही है, और जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी कि टोकन इस समय मार्केट के अंदर है वो है 70 बिलियन टोकन इस समय मार्केट के अंदर है। आने वाले टाइम में यदि मार्केट बूम रहती है, मान लीजिए जो प्रिडिक्शन है बिटकॉइन की कि आने वाले टाइम में $5 लाख 10 लाख डॉलर तक जा सकता है, यदि वो इस लेवल तक जाता है तो ट्रोन आपको $100 तक मिल सकता है, जो अभी आपको सेंट्स के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको 5 ऐसे टोकन बता रहा हूं, अगर ये आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, आपको करना क्या, आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, अपने पैसे लगा देने हैं और उसको भूल जाना है, डेली मत देखिए अपने प्रोजेक्ट को, अपने पोर्टफोलियो को डेली मत देखिए, क्योंकि डेली देखोगे आपके वो रहेगा, अगर 10% बढ़ गया तो आप काट दोगे। तो आपको अगर लॉन्ग टाइम प्रॉफिट कमाना है क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो आप इसे 3 या 4 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों आपको अपनी जितनी सेविंग है उसका केवल 10% हिस्सा ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगाना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वोलेटाइल है। यानी मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको पूरे पैसे नहीं लगाना है, केवल 10,000 रुपए आप अपने सेविंग का निकाल के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्ट लीजिए, इसे जुए की तरह मत कीजिए, खेलिए कि जुआ की तरह जैसे लगा दिए और आज लगाए कल मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा मैं निकाल लूंगा या फिर दोबारा फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको लॉन्ग टाइम अपना पोर्टफोलियो बनाना है और उसे छोड़ देना है, जहां पर आपका पैसा 5x 10x हो जाए तो अपना पैसा निकाल लीजिए, साथ में कुछ प्रॉफिट निकाल लीजिएगा और उन पैसों को 2-3 साल के नाम के छोड़ दीजिएगा। तीसरा जो टोकन है वो है दोस्तों IOST। IOST टोकन जो है वो जापान के अंदर काफी फेमस है, जैपनीज लोग IOST के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इवन चाइना के अंदर भी जब सर्वे हुआ था कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, कौन सी ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल है, तो उसमें IOST ने 3rd नंबर लाया था।
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो IOST है उसका क्या रोल है, वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रदान करता है ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक नेटवर्क कनेक्शन है जहां पर एक फाइल दूसरी जगह भेजी जाती है, और वो भी एक ब्लॉक के अंदर, वो एक ब्लॉक के अंदर फिक्स हो जाती है। ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो एक एक्सचेंज से, आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी क्यों रेगुलेट नहीं हो पाती, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण ही। आपको अपना पैसा अकाउंट के अंदर नहीं भेजना है, फिर दूसरे एक्सचेंज में डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको अपना पैसा वजीर एक्स के अंदर, आपने पैसा डाला और वजीर एक्स से आपको पैसा निकाल के फिर दूसरी ऐप के अंदर नहीं डालना, आप डायरेक्ट वजीर एक्स से अपना जो ट्रोन या कुछ भी अपना टोकन है उसको डायरेक्ट किसी और कंपनी में भेज सकते हैं, जैसे बाइनांस के अंदर भेज सकते हैं। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसको ट्रांसफर करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, तो उसी चैलेंजेस को, उसी सिक्योरिटी को क्या करता है IST, सिक्योरिटी प्रदान करता है, स्केलेबिलिटी प्रदान करता है, ताकि जो ब्लॉकचेन है वो पूरी तरह से कारीगर हो पाए। तो ये IST टोकन की एक अच्छी एडवांटेज है, और इसी कारण IST टोकन अच्छा बूम कर सकता है। फिलहाल की बात करें तो IST टोकन अभी 11,000 टोकन इस समय मार्केट के अंदर है कोइन बेस के हिसाब से, जिसमें से IST अभी 122वीं रैंक पर है, और जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 16 बिलियन टोकन है। 16 बिलियन टोकन इस समय मार्केट के अंदर इसके सर्कुलेट है। चौथा टोकन है SNT टोकन। SNT टोकन यानी स्टेटस टोकन। SNT टोकन ओपन सोर्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। SNT टोकन के बारे में इंटरनेट पर यह बोला जाता है कि ये टॉप 5 जेम में से है जो टीका तिवारी ने दिए हैं। टीका तिवारी के बारे में बता देता हूँ, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के एक बहुत ही बड़े चेहरे हैं। तो उनके जो टोकन बताए जाते हैं उनसे लोग मिलियन भी और बिलियनर बन रहे हैं। वो अपने एक सेशन के $5,000 चार्ज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक साल में 5 ऐसे टोकन बताते हैं जिसमें लोगों को $5,000 इन्वेस्ट करवाते हैं, और वो 2-3 साल बाद वो $5 मिलियन बन जाते हैं। जैसे उन्होंने इथेरियम के लिए लोगों को इन्वेस्ट कराए थे जब इथेरियम $40-50 था, और आज इथेरियम $3,000 पहुंच चुका है। अगला कोइन है सिया कोइन। दोस्तों ये एक ऐसा टोकन है जो मात्र 1.5 या 2 रुपए में आपको मिल जाएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 1.5 रुपए चल रहा है। अगर ये अभी इस समय बढ़ गया तो मान लीजिए मेरी जो मैंने बताया है आपको टोकन, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये बढ़ता हुआ 7-8 रुपए में आपको मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि मैंने आपको एक अच्छा टोकन बताया था। अगर आपको मेरी वीडियो अभी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेट मिलेगा और मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की मुझे सब जरूरत है। सिया कॉइन, सिया कॉइन की एक बहुत ही अच्छी, सिया कॉइन की एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री के ऊपर नजर है, जो है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज के मैंने बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव होती है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, ये क्लाउड स्टोरेज है। आपके पास एक पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव के अंदर आपने सारा अपना डाटा, कीमती डाटा आपने स्टोर कर रखा है, पर वो पेन ड्राइव किसी कारण से खराब हो गई या खो गई, तो उस केस में क्या करेंगे, आपका सारा डाटा खो जाता है। पर जो क्लाउड स्टोरेज होती है उसमें आप अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं, अपने डाटा को इधर से उधर ले जा सकते हैं। स्टोरेज जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बूम करने वाली है, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज जो है उसमें बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है, जैसे गूगल की गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट की अजारा। तो दोस्तों ये जो टोकन है उसका पूरा जो ध्यान है वो इसी चीज के ऊपर है कि ये क्लाउड स्टोरेज जो प्लेटफॉर्म है उसको स्केलेबिलिटी प्रदान दे, उसको सिक्योरिटी दे, जिसके कारण इसके जो टोकन है उसकी आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाली है। क्योंकि जो जितने भी ये टोकन है, ये जो अपनी पेमेंट लेते हैं अपने ही टोकन के अंदर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सिया कॉइन की डिमांड अगर बढ़ गई मार्केट के अंदर, उसका यूज केस बढ़ गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट उसी के टोकन से उसको यूज करके उसको पे करता है, सिया कॉइन से ही पे करता है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है। तो क्लाउड स्टोरेज के ऊपर इसका बहुत ज्यादा योगदान है, और आने वाले टाइम में आपको ये बूम दिख सकता है। फिलहाल इसकी मार्केट कैप $1 बिलियन को टच कर चुकी है। 2015 में सिया कॉइन की वैल्यू $0.00013 थी। 2015 में सिया कॉइन में अगर आपने ₹1,000 लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू ₹17 लाख होती। तो दोस्तों ये ही ताकत है होल्डिंग की। यदि मैं आपको जो 5 टोकन आज मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इसके अंदर ₹5,000 भी इन्वेस्ट कर दिए, ₹1,000 करके इन्वेस्ट कर दिए, और 4 या 5 साल बाद आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो
अगर एक टोकन भी आपका, मान लीजिए 5 में से एक टोकन भी आपका बढ़ गया, यानी कि ये 1,000 का आपका 17 लाख या 10 लाख हो गया, तो मेरी वीडियो बनाने का ये जो आप मेरा मोटिव है ये पूरा हो जाएगा, और आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करें, और मैं आने वाले टाइम में 1 रुपए से नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाएगी, 1 रुपए से भी नीचे वाले टोकन के बारे में बताऊंगा, टॉप 5 ऐसे टोकन जिसमें आप 1 रुपए से नीचे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।